खत्म हुआ है प्रदेश में। इस वक्त ये बड़ी खबर है, राजनीति प्रदेश की किस तरह से यहाँ बड़ा बदलाव हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर अशोक परनामी के इस्तीफे की यहाँ पर खबर है। अशोक परनामी को राष्ट्रीय कार्य समिति में नियुक्त किया गया है और ये खबरें मिल रही हैं। बता दें आपको, नए अध्यक्ष के नाम पर सीएम वसुंधरा राजे से नेतृत्व ने चर्चा भी की है। अर्जुन मेघवाल, सुरेंद्र पारिक के नाम पर चर्चा की है और ये रेस में आगे लग रहे हैं। इनमें से कोई नाम हो सकता है, कह सकते हैं कोई तीसरा नाम भी चौंकाने वाला सामने आ सकता है, लेकिन लगातार जो नाम सामने आ रहे हैं वो अर्जुन राम मेघवाल का है और सुरेंद्र पारिक का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। अध्यक्ष बदलना कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका जिक्र किया जाए। श्री अशोक जी परनामी हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे और राष्ट्रीय कार्य समिति में उनका जाना निश्चित तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस देश की भारतीय जनता पार्टी को गति मिलेगी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ पुनः उतरेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कब किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाता है। निश्चित रूप से परनामी जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, सबको जोड़कर साथ चले हैं और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान बहुत अच्छी प्रगति करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परनामी जी निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का प्रतिनिधित्व पूरे केंद्र में जाके करेंगे, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत बनकर राजस्थान में आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से अशोक परनामी का इस्तीफा हुआ है। अशोक परनामी को राष्ट्रीय कार्य समिति में नियुक्त किया गया है और अभी आपने प्रतिक्रिया भी सुनी मंत्री राजेंद्र राठौर और मंत्री प्रभुलाल सैनी के, इसे लेकर ये इस्तीफे की कॉपी है। तो अशोक परनामी का इस्तीफा हो गया है, प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से खबरें लगातार मिल रही थी, हालांकि सबसे पहले खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति संगठन का हो या सत्ता का हो वो कुछ भी सामने आके कहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लगातार जब इस्तीफे को लेकर यह खबर वायरल होती रही। हालांकि दिल्ली से ये बात सामने यहां पर आई कि उन्होंने इस्तीफा कल रात ही सौंप दिया है और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है, वहां पर उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन प्रदेश की अगर बात करें तो अब सबकी नजरें इस बात को लेकर है कि अगर अशोक परनामी ने इस्तीफा दिया तो नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा। तीन चार नाम है जो लगातार रेस में बने हुए हैं। अब अगर बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, सुरेंद्र पारिक जो एक चौंकाने वाला नाम बाद में सामने आया है, हालांकि इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, उनका नाम चर्चाओं में रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान इन्हें सौंपी जा सकती है। लेकिन अब सुरेंद्र पारिक का भी नाम, हवा महल से विधायक है, उनका नाम सामने यहां पर आ रहा है। तो ऐसे में अब नजरें सबके इस बात पर है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व किसे ये कमान सौंपता है, संगठन की कमान किसे सौंपा जाएगा और कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह से भी खबरें आ रही हैं कि अरुण चतुर्वेदी का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। अरुण चतुर्वेदी करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, तो मुख्यमंत्री चाहती हैं कि अरुण चतुर्वेदी भी हो, लेकिन नाम अब कई आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर वो कौन सा नाम है जिस पर मुहर लगती है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और जो कमान संभालेगा प्रदेश संगठन की, ये तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चा केंद्रीय नेतृत्व ने की है, लेकिन अब किस नाम पर मुहर लगती है, कौन सा नाम फाइनल होता है, इसका इंतजार सभी को है। बता दें आपको, आज शाम या फिर कल तक वो नाम सामने आ जाएगा किसे कमान सौंपी जाती है। वक्त बहुत कम है, इस लिहाज से देखा जाए कि जब विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं उससे पहले ये बड़ा बदलाव, राजनीतिक बदलाव प्रदेश में देखने को मिला है। क्योंकि अगर अशोक परनामी की बात करें तो लगातार किस तरह से 25 सालों से वो सदस्य बीजेपी के रहे हैं, महापौर के तौर पर उन्होंने काम किया, प्रदेश अध्यक्ष वो बने 2014 में, आदर्शनगर विधानसभा से विधायक हैं और लगातार अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया है। और अगर तालमेल की बात की जाए मुख्यमंत्री से तो दोनों के बीच में किस तरह से तालमेल हमेशा रहा है वो भी देखने को मिलता रहा है, लेकिन कई बार ये तालमेल भी फायदेमंद साबित नहीं होता है, नुकसान इससे को लेकर देखने को भी मिलता है। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल और ओम बिरला की जो बातें कही जा रही हैं, ये दोनों नाम भी रेस में आगे बताए जा रहे थे और ये कहा ये जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में आते हैं मुख्यमंत्री के, और संगठन और सत्ता दोनों को अलग अलग लेके चलना है, लेकिन तालमेल भी बना रहे, संगठन भी मजबूत हो और इसका साथ सत्ता को यहां पर मिले ताकि
फिर से एक बार सत्ता बीजेपी की कायम हो सके। बड़ा चैलेंज यहां पर यह भी कहेंगे क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में पिछले कई सालों से रही है, कांग्रेस के बाद बीजेपी और बीजेपी के बाद कांग्रेस, तो क्या मौजूदा बीजेपी सरकार के बाद कांग्रेस आती है? इस मिथ को तोड़ने की भी कोशिश यहां पर केंद्र सरकार की है और चाहेगी कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बने, जिसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश को मिले। सभी तरह के समीकरण को जिस तरह से बैठाया जा रहा है और अब जबकि यह खबर आ रही है कि अशोक परनामी ने इस्तीफा दे दिया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है, बीजेपी अध्यक्ष पद के तौर पर राष्ट्रीय कार्य समिति में उन्हें नियुक्ति दी गई है, यानी प्रदेश में जो उन्हें शक्तियां थी, जो पावर थी, वो जरूर उस पर कटौती कर ली गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि किसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और क्या जिसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा पाता है, क्या वो निर्णय जो केंद्र सरकार लेने जा रही है उस नाम को लेकर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने आएगा, क्या वो सटीक बैठेगा, फायदेमंद साबित होगा आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी रहेगा कि इतने कम वक्त में कैसे संगठन को एक नया रूप दिया जाए, कैसे मजबूत किया जाए और कैसे संगठन यहाँ पर